फिल्म दो बीघा जमीन की सफलता के बाद बिमल रॉय एक और फिल्म नौकरी का निर्देशन कर रहे थे, जिसके संगीत निर्देशक सलिल चौधरी थे और मुख्य अभिनेता थे किशोर कुमार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। जब बिमल रॉय ने सलिल चौधरी से कहा कि वह किशोर कुमार से फिल्म में कम से कम एक गाना गवाएं, तो सलिल चौधरी ने बिमल रॉय की ओर देखा और कहा, ये किशोर कब से गाने लगा? ये किशोर गाना भी गाता है क्या? सलिल चौधरी ने आखिर ऐसा क्यों कहा था और फिल्म नौकरी के 17 साल बाद सलिल चौधरी ने क्यों कहा, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं किशोर कुमार की ईश्वर प्रदत्त शक्ति को पहले समझ नहीं पाया। क्या आप जानते हैं किशोर कुमार का कौन सा अमर गाना सुनकर सलिल चौधरी ने ये शब्द कहे थे? प्यारे दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। जब किशोर कुमार को पता चला कि फिल्म नौकरी के सारे गाने हेमंत कुमार गाएंगे, तो किशोरदा तुरंत सलिल चौधरी के पास गए और उनसे फिल्म में कम से कम एक गाने के लिए उन्हें एक मौका देने का अनुरोध किया। ये वो दिन थे दोस्तों, जब किशोर कुमार, महान किशोर कुमार को भी एक गाने के लिए फरमाइश करनी पड़ती थी। सलिल चौधरी ने किशोर कुमार की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी आपके गाने नहीं सुने, क्या आप अभी एक गाना गा सकते हैं? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, किशोर कुमार को खुद को साबित करने के लिए वॉइस ऑडिशन भी देना पड़ा था। लेकिन सलिल चौधरी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें किशोरदा की आवाज में कोई भी खासियत नहीं मिला। सलिल चौधरी ने कहा, आप बस सहगल साहब की नकल करते हैं, आपके पास अपनी खुद की आवाज नहीं है किशोर। किशोरदा हैरान और उदास हो गए। उन्होंने सलिलदा से अनुरोध किया कि उन्हें एक गाना रिकॉर्ड करने का एक मौका दिया जाए। सलिल चौधरी किशोर कुमार को एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका देने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त पर। सलिल चौधरी ने सीधे कहा, अगर मुझे आपकी आवाज पसंद नहीं आई तो मैं इस रिकॉर्डिंग को रिजेक्ट कर दूंगा और आप केवल फिल्म में मुख्य अभिनेता बने रहेंगे। किशोरदा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उन्हें सलिल चौधरी की बात माननी पड़ी। आखिरकार किशोरदा को फिल्म नौकरी के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला। किशोर कुमार ने रिकॉर्ड किया, सलिल चौधरी हैरान रह गए और सोचने लगे, आवाज में इतनी मिठास और शब्दों पर इतनी मजबूत पकड़, अरे ये तो बिल्कुल एक नया और अलग किशोर कुमार है। उन्होंने किशोरदा की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा किशोर, यही है आपकी असली आवाज। आप में एक अच्छा गायक बनने की बहुत बड़ी क्षमता है। और फिर किशोरदा ने फिल्म नौकरी में तीन गाने गाए। धीरे धीरे किशोरदा एक्टर और प्लेबैक सिंगर दोनों के तौर पर इंडस्ट्री में नाम कमाने लगे। 50 और 60 के दशक के दौरान किशोर कुमार ने सलिल चौधरी के साथ 1957 में मुसाफिर, 1962 में हाफ टिकट जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 1971 में फिल्म नौकरी की रिलीज के लगभग 17 साल बाद किशोर कुमार और सलिल चौधरी ने फिर से एक फिल्म में साथ काम किया। उस फिल्म में किशोरदा ने एक गाने को इस तरह से रिकॉर्ड किया था जिस पर सलिल चौधरी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद सलिल चौधरी ने किशोर कुमार को गले लगाते हुए कहा, किशोर, तुम्हारी ताकत को समझने में मुझे 17 साल लग गए, लेकिन बर्मन दादा को तुम्हारी ताकत 17 साल पहले ही समझ आ गया था। दोस्तों, फिल्म थी मेरे अपने, जो गुलजार की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। इस फिल्म में किशोरदा का अमर गाना था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। ये किशोर कुमार का इतना मार्मिक गाना है जिसे किसी अन्य गायक के लिए गाना नामुमकिन है। हम दर्शक इस गाने के लिए किसी दूसरे गायक की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, इस गाने के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा। और फिर शुरू हुआ किशोर कुमार और सलिल चौधरी का सफर, जहां इस जोड़ी ने एक साथ कई हिट गाने दिए, जैसे अन्नदाता फिल्म का सुपरहिट गाना गुजर जाए दिन,
या शायद यह अविस्मरणीय रोमांटिक मेलोडी। अस्सी के दशक में भी किशोर कुमार और सलिल चौधरी की कुछ सुपरहिट धुनें थीं। मन करे याद वो दिन जैसे गाने आज तक एक कल्ट क्लासिक बने हुए हैं। मन करे याद वो दिन पड़े से भाषा की जे जादू मधु आछे तार पाते भरा कभी साथ साथ भीगे बरसात में ना बोला कतो से कथा जैसी साज भी ये तसे तेरे बिन पड़े से शब्दी।